हेलो भाई, मैं अरुण पवार। फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन हम एक ऐसी रोड ट्रिप पे जाने वाले हैं जो सबका एक ड्रीम सा ही रहता है। हमारा भी बहुत ड्रीम था, 4-5 महीने से नवांकुर भाई बहका रहे थे कि चलेंगे चलेंगे, लेकिन अब जाके वो हमारा फाइनल पूरा हो रहा है। वो ड्रीम कह लो, कुछ भी कह लो। उधर नवांकुर भाई भी पहली बार जा रहे हैं और मैं भी। अभी हमारे पास चॉइसेस थी, किया भी थी, बलेनो भी थी, लेकिन हमने अपना जो सामान रखा है वो इसी कार में रखा है। ये दिखाता हूँ आपको, इसका बूट स्पेस कितना मस्त है। ये देखिए, कंबल वगैरह और पूरी जैकेट वैकेट लेके जा रहे, तो समझ जाओ कहाँ जा रहे होंगे भाई। पूरी दुनिया ही वहाँ जाती है, मतलब जिसको देखो सब वही। तो हमने सोचा बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, 4 साल से मेरी भी भड़क हो रही थी, मिटा लेते हैं। चलो तो फिर अभी चलते हैं भाई। तो भाई हम जा रहे हैं लद्दाख, लेह लद्दाख, और केवल मैं और नवांकुर भाई जा रहे हैं, और जीप कंपास डीजल मैनुअल लेके जा रहे हैं। देखते हैं कि इसका क्या परफॉर्मेंस रहता है। क्या भी आगे तो हम बहुत जगह घुमा ले, अभी ये कार बिल्कुल नई नवेली है, तो अभी तक इसने कोई भी ट्रिप ऐसा दूर करा नहीं है, तो हमने कहा कि इसी को लेके चलते हैं। इसका एक्सपीरियंस भी देखेंगे कि चलाने में गाड़ी कैसी है और वो सब। तो अभी हमारा प्लान क्या है, हम जा रहे हैं अभी चंडीगढ़। अभी टाइम हो रहा है 5:48, 10 मिनट पीछे रहती है ये गाड़ी ना, गलत। अच्छा, सॉरी, 5:58। और कितना टाइम, वो बताओ डेट क्या है आज, 5 सितंबर। तो जैसा कि हम हाई ट्रिप पे जाने से पहले ये वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से जाते हैं, तो भाई वो सेम है। हम चंडीगढ़ जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये वो यहाँ से 339 किलोमीटर है, और टोटल 5 घंटे 15 मिनट अपने को लगने वाले हैं। तो अभी चंडीगढ़ बच गया मात्र 183 किलोमीटर, और हमने अभी कार दे दी है नवांकुर भाई को। भाई चलाने में फुल स्वाद आता है इस गाड़ी को। वैसे भाई देते नहीं है कार किसी को, पर इसलिए दिए क्योंकि वीडियो अपलोड करनी है, छोड़ेगा नहीं पर ये गाड़ी को लद्दाख तक। मतलब मैं बताऊँ ना, 2000 लीटर का जो डीजल इंजन है 180-190 कब कम में पहुंच जाता पता नहीं चलता है। चलो चलाओ अभी, रेस्ट क्यों कर रहे हो? नहीं जरूरत ही क्यों है, आप सीट बेल्ट लगा रखी है तो क्यों दबा रहे हो उसको? हाँ यार भूल जाता हूँ मैं। और इस पे भाई इतने ढाबे, बेस्ट बताओ भाई ट्रैवलर ब्रो, आप बताओ। हाँ, कौन सा बेस्ट है ढाबा? यस, ढाबा ना जो बहुत कम चल रहा हो ना वो सबसे सही रहता है। तो खाली खाली सा रहता है यार, एक तो हाइप बन रखी है इस हाईवे पे ढाबों की। लद्दाख जो भी जाएगा सुखदेव पे रुकेगा, गरम धरम, और कितनी भयंकर भीड़ थी, कम से कम 200 गाड़ी खड़ी होंगी वहाँ पे। तो भाई हम यहाँ पे 10:38 पे पहुंच जाएंगे। तो 200 खड़ी थी वहां रोक लेता फिर। 200 खड़ी हो तब भी दिक्कत है अरुण पवार को, एक खड़ी हो तब भी दिक्कत है। क्या पता बढ़िया हो इसका क्या दिक्कत है ना। अरे सेम ही सा होता है, सही है। तो अभी 100 किलोमीटर हो रहा है चंडीगढ़ यहाँ से, तो यहाँ पे रुक गए भाई हम। फर्स्ट ब्रेक है हमारा, और ऐसे पे रुके जहाँ पे कोई भी नहीं है। मतलब वही है ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रही है कि जिस पे ज्यादा भीड़ रहती है ना उसका ही बेकार पाटा है भाई खाना एकदम। बूंदी नहीं मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, वेजिटेबल वाली करवा लो। चलो वेजिटेबल ही कर दो, हाँ दो कर दो, दाल मखनी तड़का। कहीं नहीं लूटे हैं जिंदगी। भाई ऐसा मैं जिंदगी में कहीं नहीं लूटा हूँ भाई, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा ना। 33 कंट्रीज कवर कर चुके हैं, 33 कंट्री भाई। अब बताओ आप, मतलब एक्सपीरियंस जिसकी इतनी तारीफ कर रहे थे यार, ऐसे चल गाड़ी में बताता हूँ। नाउ आई विल ड्राइव। 100 किलोमीटर बचे हैं जो हम कवर करेंगे। ये एक और से देखिए इस न्यू जिनमिल ढाबा को, ये रियलिटी में न्यू केस बिल्ड में। तो गलती से भी मत निकल जाना, मतलब गलती से भी मत रुक जाना। कैसे भाई? अरे भाई रायता 110 रुपए का। हाँ। और भाई इतना अच्छा भी नहीं, और रोटी भाई ऐसी मतलब बिल्कुल पत्थर हो, जैसे मतलब हम पत्थर खा रहे हो, और फिर भी हमने चलो भाई कुछ बोला नहीं। रोटी भाई 20 रुपए की एक रोटी है, और 790 रुपए का बिल। 790 भाई, बिल्कुल वर्थ नहीं, 0 रुपीज का वर्थ। और फिर ये कैश ही ले, हम पे टोटल कुल कैश 640 रुपए। एक एक रुपया बीन के गाड़ी में से दे दिया, और बंदा अगला पेटीएम कार्ड वार्ड कुछ ले ही ना। और इसने जो करवाया है ना वो स्कैनर, वो इसका खुद का ही है, इसका ही होगा। और क्या, ये कितने झूठे हैं यार ये लोग भाई, क्या ही करें अब यार। मतलब ढाबों की इज्जत गिरा देते हैं यार आजकल तो, यार सब पेटीएम लेते हैं। और चल भाई यार, और हाँ वो तो बता, मटर पनीर बता भाई, शाही पनीर का रेट दे के आए हम 220। हाँ
खाया तो हमने मटर, मतलब खाया तो खैर शाही पनीर, पर देख हम ना, हमने पहले दाल मखनी मंगाई, फिर हमने कहा भैया एक मटर पनीर और मंगा लो उन्होंने, तो भाई वो मटर पनीर की जगह शाही पनीर ले आया और कहता भाई मटर लेने गया बंदा, आते आते लेट हो जाएगा तो आप शाही पनीर खा लो तब तक। ओ भाई कम से कम रेट तो फिर मटर पनीर का लगा कम से कम। और वो सेम रायते का हुआ था उसका, रायता की बूंदी रायता मांगा था, मतलब यहाँ पे मालिक का ऑर्डर चलता है भाई, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो अपने जाओ घर के जाओ। और अपना कैश निकाल के लेके, और रात के 9:15 इनके लिए, तो बिल्कुल यार ऐसे खाली वालों पे तो बिल्कुल मत, अगर उसको भीड़ तो देखा यार, ये गलती हो गई और उनको भूख लग रही थी, मेरे को भी, मैंने भी कहा चलो रोक देते हैं, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, चलो कार पे लगाओ अब चंडीगढ़ पहुंचना है। ये तो मैंडेटरी वो होती है ना लोगों की, कितनी सही आ रही है, अरे यार शीशा कितना गंदा हो गया ना, हमको इधर लेना है ना लेफ्ट, नहीं नहीं सीधा भाई चंडीगढ़ उधर से सीधा। मैंने वीडियो देखी थी, दिखाता हूँ, वहाँ पे जाके स्केटबोर्डिंग करेंगे हम लोग, एक्सपर्ट्स हैं। अभी बज रहे भाई सुबह के 7:45 और अभी हम हैं चंडीगढ़ में, यहाँ पे एक रात को दोस्त के घर रुक गए थे, तो मैंने रात को फिर दिखाया ही नहीं क्योंकि यार लेट 11 बजे हम पहुँचे थे यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे सुबह सुबह नहा धो के हम निकलते हैं, अभी होगी हमने रियल एडवेंचर्स तो स्टार्ट, अभी इनके घरों के आगे ऐसे वो सेक्टर्स में आपको पता है प्रॉब्लम, पार्किंग ही नहीं होती तो निकालो फिर लगाओ कार, ये सब दिक्कत रहती है, तो वही करने आया था। अभी नवांकुर भाई नहा रहे हैं, देन वी विल गो टू मनाली। नवांकुर भाई तो नहा के आ गए, अभी आज का क्या प्लान है भाई, आज 6 तारीख हो चुकी है, आज हमारा प्लान है पहले कंघा खरीदना, कंघा ही भूल गए, अभी नहा के आए हैं तो पता चला, गुड। और ब्रो आज हम जाएंगे मनाली, पंचकुला में, अभी हम एग्जैक्ट लोकेशन बताए, मतलब चंडीगढ़ पंचकुला की बात है पर पंचकुला में है, तो यहाँ से मनाली कुछ है 270 किलोमीटर, 294 और 94 है, 9 घंटे लगेंगे हमको मनाली पहुँचने में। अब रियल एडवेंचर स्टार्ट तो है ना, अब तक इसके बाद सिर्फ पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़, बर्फ वाले पहाड़, ग्रीन पहाड़, गंजे पहाड़, सारे पहाड़ भाई। अभी बच गए हैं 9:30 और अब हम निकल चुके हैं चंडीगढ़ से। यहाँ पे देखो एक चीज दिखाता हूँ मैं, पहले पावर स्टेयरिंग एक ऐसा फीचर हुआ करता था कि जो कंपनी थी वो लिखती थी पावर स्टेयरिंग, पीछे लिखती थी एडवेंचर ग्रैंड, और आजकल ये नई नई कार्स में टिल्ट टेलीस्कोपिक और ये ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है, तो देखो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो रही है। और ये गाड़ी अभी भी आज भी इंडिया में दौड़ रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए। ये चंडीगढ़ में नवांकुर भाई को शॉपिंग करनी थी तो एलांटे मॉल जाकर फेमस है यहाँ पे ले आए भाई, लेकिन यहाँ पे भी किस्मत भाई की ख़राब निकली, ये बोल रहे हैं कि 11 बजे मॉल खुलेगा तो आप उल्टे जाओ, तो हमारे 50 रुपए की पर्ची भी वेस्ट पार गएंगे। अब नवांकुर भाई सीधा मनाली का लगा दो, मनाली लगा दिया भाई मैंने, सीधा पहाड़ देखने हैं अब तो, पहाड़ तो आपको 15 किलोमीटर में दिख जाएंगे ब्रो। ये देखिए भाई अपना ये है 6:49 पे पहुंचेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग 293 किलोमीटर है चंडीगढ़ इलांटे, नहीं पहुंचेंगे हम 649 तक पहुँच नहीं पाएंगे, ट्रैफिक रहता है क्या, ट्रैफिक नहीं, कई बार रोड बंद जाम, तो हम पहुंचेंगे लगभग 8 बजे तक, और फिर आपको शॉपिंग भी करने के बीच रास्ते में अगर मिल गया तो कुछ। यार तू मेरे पे नाम क्यों लगाया जा रहा था से? ये रास्ता बता रहा है मनाली के लिए, लेकिन अपनी गाड़ी रिजर्व में लग गई थी कल रात को, यहाँ पे डीजल भरवाना जरूरी है, तो अभी देखते हैं कंपास जैसी इतनी बड़ी गाड़ी में कितने का तेल आता है, तो ही क्यों जा रहे हैं, मतलब लद्दाख जैसी ट्रिप पे इतनी बड़ी गाड़ी लेके और भी तो लेके जा सकते थे ना, कंफर्ट मिलेगा हमको पूरा, हाँ कंफर्ट के लिए ही, वरना मेरे को किया में भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ब्रेजा भी ले जाता अगर मेरे पास ये नहीं होती, पर यार सनरूफ का थोड़ा फायदा उठाएंगे और थोड़ी कंफर्ट, और अपना कैसी सामान भर लो, जैसे हमारे पास इतना कोई खास सामान नहीं है, कंबल हटा दे पीछे से, ये हटा दो, ये वो कर रहा है, कितने का आ जाता है इसमें डीजल पूरा फुल करवाते तो 5,000 का कर दो, लद्दाख लद्दाख का मेरे को तो भाई मतलब इतना कुछ पता नहीं, मतलब क्या ही लद्दाख में, तो भाई तो ऐसे ट्रैवलर तो भाई के साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि मैं तो अकेला बिल्कुल कभी नहीं जाता, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम सा कुछ हो जाता है उधर, मतलब एडवेंचर सा। कार में टोटल आया 5,000 रुपये का, और यहाँ पे हो गया टंकी एकदम फुल, इसमें डिजिटली पता चलता है भाई, मैं VIP आदमी बनना चाहता हूँ, क्योंकि गाड़ी को मेरे बारे में पता रहे कि मेरी सीट की पोजीशन क्या है, हम दो लोगों का 15 दिन दोनों VIP बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मेमोरी सीट आती है, कैसे सेट होता है, देखिए 1 पे है मेरी सीट, ठीक है, अब तेरे को तूने अपनी सीट सेट कर ली, हाँ ठीक है, S दबा के 2 दबाना है, मेमोरी 2 प्रोफाइल सेट बस, अब हाँ, अब 2 दबाती तेरी ऐसी सीट एडजस्ट हो जाएगी अपने आप, और अगर मैं बंद रहा हूँ तो आपके अकॉर्डिंग, अब मेरी हो रही है एडजस्ट, अरे आप तो कैसे कितनी ऊपर चलाते हो भाई, अच्छा 2 पे मैं कर दूंगा,
यार ये मेमोरी सीट का बहुत अच्छा फंक्शन है। हाँ, कई बार इससे ऊपर वाला मॉडल होगा तो इस तरफ भी आएंगे। अभी हम एंटर करें भाई हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे लगता है टोल वगैरह जो भी है, हमारे पास टोटल कार में बस 50 रुपए पड़े हैं। ये 50 रुपए कैश है भाई, 52 है, 52 रुपए हैं कुल। अभी अगर ये एक्स्ट्रा टोल रहा तो फिर हम कैसे ही करेंगे भाई, ये तो पेटीएम वेटीएम भी नहीं लेते। कितने गए? 40 बच गए, बच गए 40। व्यू देखो भाई कितना मस्त है मनाली, यहाँ से जस्ट 150 किलोमीटर रह गया है, और अपनी गाड़ी माइलेज जो निकाल रहे हैं वो बहुत ही बेकार निकाल रहे हैं। एक मिनट में दिखा दो, इसमें इतनी सेटिंग है ना कि आप ये प्रेस करते रहो, 15.5 की दिखा रही है लेकिन दे नहीं रही उतनी, ये दे रही होगी 8-9 की। और भाई मतलब ये जो रोड है ना चंडीगढ़ से मनाली वाला, ये इतना बढ़िया नहीं है। मतलब जब हम शिमला गए थे एक बार जनवरी में तो वो तो बहुत मस्त डबल लेन रोड था, और ये सिंगल सा रोड है भाई। नवंग भाई सबसे मेन कुछ नहीं पता, लोग कहेंगे कि मनाली से कौन जाता है लद्दाख, सब तो श्रीनगर से जाते हैं, और हमको भी यही सजेशन मिले थे, तो क्यों आप बताओ। मेन बात है अरुण और मैं हैं एडवेंचरर, हमें कह रहे रोड खराब है पर हमको इन्हीं में मजा आता है। प्लेन हाईवे बहुत चला लिया। हाँ तो प्लेन हाईवे तो कहीं पे भी मिल जाएंगे। ये हमने कह दी भाई नदी पार, ये कौन सी गंगा जी वाली नदी है, बिहार है शायद, ये ऋषिकेश में भी तो सेम न जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पुल भी है भाई, यार भाई देखो ये है अट्रैक्शन पॉइंट। पर गाड़ी भाई मजेदार बहुत है, पावरफुल गाड़ी है एकदम ना, कहीं भी ऐसा जैसे चढ़ाते भी हैं तो ऐसा कहीं सतलुज। अभी हो गए भाई 3:30 बज गए हैं और हम पहुंच चुके हैं मंडी। मंडी पड़ता है 110 किलोमीटर पहले यहाँ से, और हमको दिखाया शर्मा भोजनालय, और बहुत भूख लग रही है, इस पे चल के खाते हैं। इसको हमने भोजन करा दिया था बीच में जो आपने, तो आज हम कल जैसी गलती नहीं कर रहे हैं, ऐसी छोटी सी दुकान सी पे खाना खा रहे हैं। भाई शर्मा वाले का खाना बहुत बढ़िया था, मात्र 120 रुपए में इसने फुल झिका दिया हमको। 120 दो बंदों के, चावल अनलिमिटेड, पता नहीं रोटी अनलिमिटेड, और छोले और वो राजमा वो भी अनलिमिटेड। और कल वाले का क्या था भाई, वो तो लिमिटेड खाना और अनलिमिटेड पैसे। ये सेल्फी लवर्स देख लो भाई, भाई मैं सेल्फी तो ये मंडी से और आगे आ लिए भाई हम 50 किलोमीटर। क्यों मच्छर भाई, यहाँ पे जान निकल गई, जीप पे किसी का खून बह गया। तो अभी हमारा प्लान कुछ ऐसा है, अभी आज हम मनाली जाकर रुक जाएंगे, मनाली के बाद फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। इस कार की हैंडलिंग इतनी मस्त है ना भाई, जो जीप का सुनते हैं ना कि अपनी ड्राइवेबिलिटी के लिए मशहूर है, वो चीज़ आप जब इसको चलाओगे तभी फील कर पाते हो। जैसे अभी हम उतर रहे हैं पहाड़ से ऊपर, हम 1300 मीटर पर चले गए थे ना, 1300 भाई ने गैप डाउनलोड करा कि उसमें तुरंत आता रहता है कितने एल्टीट्यूड पर अभी हमें, तो इसको ये देखते रहते हैं भाई, तो इसका ही शौक चढ़ रखा है। ये पता नहीं कितनी हाइट पे जाना चाहते हैं, कितनी हाइट पे जाओगे? हम जाएंगे 19,000 तक। पर कुछ भी कहो गाड़ी वर्थ लग रही है मेरे को अभी तक तो, 25 लाख रुपए। भाई बोले भी मेरे पे गलती 25 निकल गया ना, कि भाई तू 1-1 लाख रुपए घटाते ही जा रहा है। अब तो शोरूम कीमत इसकी 27,80,000 हो गई, हम सस्ती ले आए। तो 2 लाख एक्स्ट्रा बोल दूं फिर 28 बोलूं भाई 28 लाख की गाड़ी बहुत बढ़िया है, काफी अच्छी है, वैल्यू फॉर मनी गुड। मौसम देखो भाई क्या मस्त हो गया है, अभी तो ऐसा वो आ गया है रोड, यहाँ पे रेलिंग भी नहीं है, और यहाँ पे असली सनरूफ के मज़े पता चलते हैं। हमने तो विंडोज़ भी खोलनी है जिससे थोड़ी सी यहाँ की शुद्ध हवा लें, एसी बंद कर दिया है, बाहर का बहुत ठंडा मौसम है। अभी ये व्यू देखो भाई कितना मस्त है, यहाँ आवाज भी मस्त आते, अभी क्रेटा वाले भाई ने पहचान लिया था, अपने को रुकवा लिया था भाई। मैं चला रहा पीछे से डिपर पे डिपर, मैंने कहा भाई क्या हो गया, मैंने साइड दे दी, फिर साइड में हमें ना रुकना चाहिए ऐसे, मतलब इतनी अच्छी आवाज आ रही है बाहर उतर के, वो वाइब्स एंजॉय तो कर नहीं रहे हैं, मैं डिचक बजा रहा हूं काम का के। क्या डिचक बजा रखे, गाने तो चला ही नहीं रखे हमने, तो अभी तो बंद करे थे वो, पहले तो वो पंजाबी धम 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 धम, इसका स्पीकर बढ़िया है वैसे कहने वाली ब्रो, आप चलाते इतनी तेज हो कि वाइब्स एंजॉय नहीं कर पाते हम। मैं देखो आराम आराम से वाइब्स एंजॉय करिए आप, और अब भाई पहुंच ही जाएंगे घंटे में, हम होटल बुक कर दिया है भाई ने 800 रुपए का booking.com से। ये बताना कंपलसरी है। तो फाइनली 7:49 पे हम पूरे दिन भर गाड़ी ड्राइव करने के बाद अपने इस होटल रूम में पहुंच चुके हैं। गलत देखो कैसा लगा भाई पूरे दिन भर ड्राइविंग और गाड़ी, दिन भर मैंने कहां चलाई, मैंने तो 101 किलोमीटर चला। बढ़िया भाई मजा आ गया। अभी क्या प्लान है, अभी मॉल रोड पे घूमते हैं थोड़ा। भाई ने माल रोड का बोला, हम माल रोड पे आ गए, लेकिन इतना छोटा सा एकदम ही नकली सा है यहाँ का माल रोड, शिमला का बहुत बढ़िया है, यहाँ बड़ा ही बहुत बड़ा है, वो घूम भी नहीं सकते तुम। इधर ठंड भी बहुत तगड़ी है भाई, मतलब देख रहा हूँ ना, खाने का मजा है।
तो बैक टू रूम, अभी बताता हूँ भाई मैं। हम जैसे मनाली में आए ना तो लोग बोल रहे थे कि आपको वो चाहिए आर्टिफिशियल टेस्ट, ऐसा कुछ भी कहीं भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ठंड इतनी है कि पंखे की भी जरूरत नहीं है, और आर्टिफिशियल टेस्ट हमने करवाई भी नहीं है, हम फुल एडवेंचर के साथ चल रहे हैं। धोखे में घुस जाएंगे फिर तू क्या कहेगा। बाकी आगे अगर कोई मांगेगा तो मैं आपको बता ही दूंगा आने वाली वीडियोज में। चलो भाई रात के 10 बज गए, अभी हम भी सोते हैं, आप भी सो, गुड नाइट, बाय।